दोस्तों सलाम ब्लॉग के साथ मैं आया था ऊपर, तो देखा तो ये है ना हमारी मुर्गी ने जो है ना अंडे वगैरह, एक मुर्गी जो हमारी है सिंधी जो हमने परचेस करी थी उसने अंडा भी दे दिया माशाल्लाह। तो दोस्तों देखें ये अंडा जो है सामने ही पड़ा हुआ है माशाल्लाह, और ये टर्की बर्ड्स वगैरह सब इंतज़ार में है, ये जो है खाना दाना पानी वगैरह के लिए कि हमारा जो है अपना मतलब इनको भूख वगैरह कोई लगेगी, तो इस वजह से जो है ना सब बेचारे इंतज़ार में। अभी धूप भी जो है बहुत शिद्दत की हो गई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा शिद्दत की धूप हो रही है, इस वजह से जो है ना मैं क्योंकि सर्दी का भी रुझान जो है कम होता चला जा रहा है। टर्की बर्ड्स को जो हम खोलेंगे, वो टर्की बर्ड्स को खोला नहीं था असल में। अब ये टर्की बर्ड जो है ये वाला तो वजनी आ गया, वजनी हो गया इतना तो हो सकता नहीं उड़ाई और आगे भी नहीं उड़ रहा है। देखें टर्की बर्ड्स वगैरह, बाकी फ़ीमेल का मेरे को डर रहता, तो फीमेल जो है ना वो उड़ती है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से, वो अंदर ही घूम रही है, अभी अगर बाहर भी आएगी ना तो ये उड़ेगी, वो शिद्दत से उड़ती है असल में ये बहुत ज़्यादा। अभी देखें वो बिल्कुल पीकॉक बन चुका है दोस्तों, और ये वाले माशाल्लाह अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा अब जो है ना होने लगी है शिद्दत की, बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी का शुरू हो गया। अब देखिए फीमेल आ रही है, ये फीमेल उड़ती है ना, ये इसका डर रहता है, देखिए ये उड़ रही है, ये उड़ेगी ना, उड़ने का इसका डर रहता है, ये उड़ती बहुत ख़तरनाक तरीके से, अगर ये है कि उड़ी नहीं है अभी। ये देखें दोस्त माशाल्लाह, और हमारे रैबिट्स ने भी जो है ना सारा का सारा खोद दिया, ये सारा का सारा ऐसा खोद दिया है कि ये जो है ना मतलब वो हम इसमें तो नाकाम हो गए। अब ये हमारे को जो है आर्टिफिशियल घास ही लेके आनी पड़ेगी, जिससे आर्टिफिशियल घास से जो है ना फिर ये सेटिंग में आएगा, नहीं तो ये खा जाएंगे सारे, क्योंकि ये जो है ना मट्टी को खुरेद रहे हैं, सारा का सारा जो है ना खुरेद दिया और मज़ा भी नहीं आ रहा दोस्तों। और अभी मैंने उनको दाना पानी वगैरह भी ले आया था, तो मैंने बोला देखा तो सामने अंदर जो है ना एक अंडा पड़ा हुआ था, तो अंडा जो है ना दोस्तों उस पड़ा हुआ ना सामने, मैंने बोला अंडा भी उठाऊँगा अभी, और उसका रैबिट्स का भी हाल मालूम करूँगा, जो रैबिट्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, वो जो एक लेके आया था नया आयजा ने की वजह से हमें परचेस करना पड़ा था, तो आयजा ने जो है ना अब ये कि उसको ट्यूब वगैरह लगाइए, तो माशाल्लाह से कुछ थोड़ा सेटिंग में आया, देखें ज़ख़म अभी भी है इसका तरोताज़ा, मगर ये कि थोड़ा सा बेचारे के अंदर अभी कवरिंग हुई है, क्योंकि ज़ख़म जो है ना अभी भी बहुत ज़्यादा घेरा है, देखें ये है कि थोड़ा सेट तो हुआ है ये माशाल्लाह से, मगर ये है कि ऐसी चीज़ें जो है ना लाने में हमारे को बहुत परेशानी हो जाती है। ये टर्की बर्ड जो है ना हमारा माशाल्लाह से फीमेल भी वजनी हो चुकी है, और मेल भी हमारा बहुत वजनी हो गया, उड़ेगा नहीं इंशाल्लाह, उड़ने की कोई वो नहीं है चांस। तो अभी मैं जो है ना इनको दाना पानी वगैरह करूँगा टर्की बर्ड्स को भी, क्योंकि टर्की बर्ड्स भी जो है ना अभी दो तीन दिन के बाद खोला है इनको दोस्तों, ये बहुत परेशान कर देता इस वजह, तो अभी जो है ना इनको दाना पानी वगैरह, देखें वो पीकॉक बन गया बिल्कुल, ये पीकॉक जैसा जो हो चुका है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लगता है पीकॉक जब, ये मेरे को बड़ा प्यारा लगता है परिंदा, इसलिए मैंने सोचा है कि एक जो है कलर का एक और परचेस करूँगा मैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ये देखें ये अलग ही, ये देखें माशाल्लाह से ऐसा हो रहा है कि अलग ही जो है नज़र आ रहा है, वो बड़ा खूबसूरत हो चुका है। देखें अभी इनको दाना पानी वगैरह, वो सब दाना पानी वगैरह के इंतज़ार में ही बेचारे, देखें उधर रैबिट्स भी जो है हमारे इंतज़ार में, वो एक रैबिट्स तो देखें कैसे बैठा हुआ बड़े, उससे जैसे कि अलग ही जैसे बैठते हैं ना, जैसे कि अपने किसी घास वगैरह के ऊपर उसके ऊपर बैठा दो, माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो चुका है। और दोस्तों ये देखें, ये जो है ना असल में हमारी जो लाडो है ना, वो लाडो भी जो है ना खामोश बैठी हुई है बहुत ज़्यादा, तो आज इसको भी धूप बहुत ज़्यादा लगी है, और ऐसी धूप लगी है दोस्तों कि ये जो है धूप की वजह से जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही थी, मगर मैंने चलो ये है कि थोड़ी बहुत धूप तो लगे, इस वजह से जो है ना मैंने ऊपर छोड़ दिया था उनको दोस्तों, और हमने अपनी जो है ना जागीरी मुर्गी के अंडों पर बैठाई हुई है माशाल्लाह से, और बेटी भी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, उसमें दो हमने बटेर के अंडे भी जो है ना उसी के नीचे रख दिए, ताकि ये जो है ना बटेर के अंडे जो है ना दोस्तों हो सकता है निकल भी जाए, कोई भरोसा नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यार में। ये देखिए ये टर्की बर्ड जो है हमारा अभी उड़ने लगा, मेल फीमेल अभी जो है ना अब गर्माश की तरफ आ गया है सब किताब, इस वजह से थोड़ा सा जो है ना ये गर्माश की वजह से जो है ना अब हाँपेंगे भी, गर्मी भी इनको बहुत ज़्यादा लगेगी शिद्दत की, और ये घास वगैरह जो है ना इनकी लेके आया था, ये चावल तो बहुत शौक से खाते हैं ये, हमारा पकवान सेंटर की वजह से जो है ना मैं ले आता हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा जो है ना दोस्तों ये जो है इंतज़ाम तो काफ़ी हद तक जो है बेहतर है, हमने सब परिंदों को खोला नहीं है जो है ना, असल में टर्की के लिए जो है ना घास वगैरह जो है ना ये जो है, और छोटा रेबड़ भी हमने खोल दिया है, ऐसा जो परेशान कर रही थी, उन्होंने बोला चलो भाई आपके लिए खोलते हैं, आप जो बहुत परेशान कर देती हो,
और इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है ना अभी असल में मुल्क के अंदर इलेक्शन का जो है हिसाब किताब है, फिर जो है इलेक्शन के बाद जो है ना हम भी सोचना है थोड़ी सी आइटम जो है बढ़ाएं, अपनी छत को थोड़ा सा भरें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। शौक तो बहुत है मगर थोड़ा टाइम की भी कमी है, वक्त की भी, इस वजह से थोड़ा सा जो है ना ये देखना पड़ता है हमारे। बाकी घास वगैरह जो है ना देखें, रैबिट आ गया, अभी जो है ना मैं अपने रैबिट को भी जो है घास वगैरह डालूंगा ना, तो ये रैबिट्स वगैरह जो है ना हमारे खाएंगे, देखें ये खा रहे हैं, ये रैबिट्स जो है हमारे घास के जो बड़े शौकीन है, देखें तीनों के दिनों जो है ना ये खाते हैं बड़े हिसाब किताब से। अभी उसको छोटे वाले को भी डालेंगे, और बहुत सारे तो छोटे वालों को भी जो है ना डालना है असल में। और अभी जो है ना ये इसको मैं लेके जाता हूँ, क्योंकि ये जो है ना हमारे ये जो परिंदे हैं ना इनको भी डालने का जो है ना हिसाब किताब असल में। ये देखें अब ये टर्की बर्ड जो है करीब आ गया, और माशाल्लाह से ये बड़ा हो गया, ये कम से कम जो है दोस्तों मैंने इसको उठाया था पक्का 9-9.5 किलो का हो गया ये, और फीमेल जो है ना 7-7.5 किलो के दरमियान है फीमेल, पक्की 7 किलो है दोस्तों। अभी ये मैंने जो है ना अंदर रख दिया, तो ये आएंगे देखो अंदर ही जाएंगे, अपने दड़वे वो तो पहचान रहे हैं अभी, ये जो है माशाल्लाह से अभी इतना भागे अब भाग नहीं रहे हैं दोस्तों। अब ये है कि इनको चावल वगैरह बिरयानी वगैरह दी थी ना मैंने, देखें अभी ये पानी वगैरह चेंज करूँगा इनका, पानी वगैरह चेंज करने के बाद दोस्तों ये जो है ना उसको पानी भी बहुत ज़्यादा मिला हो रहा। किसको आप किसको बोलोगे, नहीं वो अभी अंदर ही है, अंदर जो है ना अभी बाहर नहीं आ रहा, वो बाहर जो है ना असल में बाहर आने में जो घबरा रहा थोड़ा सा, डर रहा, तो आप उसको छोड़ दो। अभी जो है ना मुर्गों वगैरह डालें अपन, अंडा भी उठाएंगे ना वहाँ से, उसका अपना मुर्गी का अंडा जो पड़ा हुआ है ना वो एंड में पड़ा हुआ, पूरा वो आखिर में पड़ा हुआ, एंड में मुर्गी ने एक अंडा दिया ऐसी मुर्गी ने, तो इनको भी थोड़ा सा बाहर निकालेंगे ना अपन। तो ये डक्स जो है ना ये भी इंतज़ार में दोस्तों, हटो अभी डक्स भी जो है हमारी इंतज़ार में, देखा बाहर आने के चक्कर में है ना ये, क्योंकि ये तो ये मेल आ गया और ये फीमेल, क्योंकि ये भी सुबह से खुली हुई थी असल में, अब ये गर्माश हो गई बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी की वजह से जो है ना अभी परेशानी रही बहुत, तो एक इनके लिए कोई छाया का इंतजाम भी करेंगे दोस्तों। और देखें ये जो है ना माशाल्लाह से, और हमारी चाइना गेनोफॉल जो बेचारी चाइना गेनोफॉल फीमेल जो है अलहदा अकेले ही है, क्योंकि फीमेल ही नहीं मिल रही है, जब जाते हैं मार्केट में फीमेल ही नहीं होती है दोस्तों, पता नहीं क्या चक्कर। मार्केट वाला इसकी फीमेल ही नहीं ला रहा, फीमेल नहीं ला रहा भी मार्केट वाला, इस वजह से जो ना दोस्तों ला नहीं रहे हैं। इंशाल्लाह अभी दाना पानी वगैरह करके फिर जो है आपको इंशाल्लाह अपनी जागीरी मुर्गी वो भी दिखाऊंगा, कि आज उसका पहला दिन है माशाल्लाह से बैठी हुई है जो।